सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश और आप देख रहे हो मी टॉक्स। तो गाइस, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरा एक नया वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीएमजी दिशा अगर सेंटर आपने अप्लाई किया है तो उसको वेरीफाई करना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका जो स्टूडेंट होगा वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हो। पहले आपको पीएमजी दिशा का सेंटर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सेंटर वेरिफिकेशन करवाना है, और उसके बाद आपका जो डीएम होगा वो आपको पीएमजी दिशा का वेरिफिकेशन करवा देगा। तो ये जो प्रोसेस है वही प्रोसेस की आज हम बात करने वाले हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पहले क्या करना है, आपका जो पीएमजी दिशा का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक ऐप्स डाउनलोड करना है, जो कि आपको डिजीमेल में दिया जाता है। उस ऐप्स को आपको पहले आपको डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस करना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जो डिजीमेल में आपका जो मेल आया है, डिजीमेल में जो ऐप्स दिया गया है, वो ऐप्स को हम लोग पहले डाउनलोड करते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र में आपका डिजीमेल जो डिजीमेल होता है डिजीमेल में लॉगिन हो जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई भी एक ब्राउज़र में हम लोग डिजीमेल में लॉगिन हो जाते हैं। तो हमने गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र होता है वो ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया है, और अभी हम क्या करते हैं, डिजीमेल जो आईडी होता है डिजीमेल में हम लॉगिन हो जाएंगे। डिजीमेल में लॉगिन हो जाने के बाद फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मेल हमारे रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो मुझे मेल मिला है, उस मेल में लिंक दिया गया है ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए। तो वही हम आज करने वाले हैं। पहले तो हम लोग डिजीमेल में अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद जो पीएमजी दिशा की तरफ से मुझे जो मेल मिला है, उस मेल को हम पहले ओपन करेंगे। फ्रेंड्स, इसको अभी देखते हैं, ओपन हो जाना, मेरा डिजीमेल अभी ओपन हो गया है। डिजीमेल में ओपन हो जाने के देखिए, इसमें लिखा हुआ है पीएमजी दिशा, सबसे ऊपर में पीएमजी दिशा, उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद ही देखिए, मेरा जो ऐप्स मेरा जो मेल होगा वो मेल खुल जाएंगे। मेल खुल जाने के बाद आपको देखिए, मैं इस ये जो डिटेल्स है मैं उसको अभी हाइड करके रखा हूँ, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन के लिए मैं इसको डिस्प्ले नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा आपको आईडी एंड पासवर्ड दिखा रहा है जो आपका पीएमजी दिशा का है, और यहाँ पे आपका डिटेल्स पूरा सब शो करेंगे, आपका सेंटर का एड्रेस यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ में लिखा हुआ है, देखिए, प्लीज़ सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एफिडेविट टू पीएमजी दिशा पीएमयू। तो अभी ये नहीं मुझे करना है, मुझे देखिए यहाँ में लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड पीएमजी दिशा TECGEO टैग ऐप फॉर जियो टैगिंग योर सेंट्रल लोकेशन। तो आपको क्या करना है, ये जो लिंक दिया है, इस लिंक में आपको एक बार क्लिक करना है। इसमें लिंक में क्लिक करते ही देखिए आपको साथ ही साथ क्या होगा, एक जो ऐप्स है वो ऐप्स डाउनलोड, मोबाइल ऐप्स जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये इस ऐप्स को डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल है मोबाइल में ट्रांसफ़र करना है, मतलब ट्रांसफ़र कर लेने के बाद आपको वो उस ऐप को इंस्टॉल करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस ऐप्स को हम लोग मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए मैंने ट्रांसफ़र अभी कर चुका हूँ। ट्रांसफ़र करने के बाद आपको मैं मोबाइल पे लेके जाना हूँ, मेरा जो मोबाइल स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन के रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हम लोग चलते हैं अपना मोबाइल स्क्रीन में, ठीक है। मोबाइल स्क्रीन में जाने के बाद आपको जो ऐप्स है वो ऐप्स आपको इंस्टॉल करना है, और इसके इंस्टॉल करने के बाद जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैं अभी बताने वाला हूँ। हम जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल ऐप्स, मोबाइल में जाने के बाद आपको क्या है ना, जो ऐप्स अपने मतलब एपीके आपने डाउनलोड किया है वो एपीके आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो उसके इंस्टॉल करने के देखिए, मेरा जो एपीके है देखिए इस तरह का एपीके है, ये एपीके को हमको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से इस एपीके को मतलब ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। जब भी हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इस ऐप्स को आपको ओपन करना है उसी लोकेशन में जहाँ पे आपका सेंटर है, ठीक है। सेंटर में जाके आपको वो लोकेशन को आपको वेरीफाई करवाना है। तो हम लोग, मेरा ऐप्स जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। हम अभी यहाँ पे देखिए हम लोग दिखा देते हैं कैसे हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। हम लोग इस ऐप्स को ओपन करेंगे, ठीक है। एक बार ऐप्स को ओपन कर लेने के बाद होगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ ऐप्स को ओपन करने के। देखिए आपको इस तरह का अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो आपको क्या करना है, अलाउ कर देना, ठीक है। अलाउ करने के बाद आपको शेयर लोकेशन में क्लिक करना है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए शेयर लोकेशन लिखा है, शेयर लोकेशन, तो आपको क्या करना है शेयर माई लोकेशन में क्लिक करना है। जब भी आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट एक कोड दिया जाएगा, जितना बार आप इसमें क्लिक करेंगे उतना बार एक डिफरेंट डिफरेंट कोड दिया जाएगा। तो उसी में से कोई भी एक कोड आपको क्या करना है, लिखना है उसी वेबसाइट में जाकर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख देते हैं, और जो कोड दिया गया है वो कोड हम डालते हैं। वो कोड हम कहाँ डालते हैं वो भी हम दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कोड है हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने के बाद हम अभी जो मोबाइल में ही कोई भी एक ब्राउजर खोल के हम लोग अपना पीएमजी दिशा पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ में गूगल क्रोम हम यहाँ पे खोल लेते हैं। गूगल क्रोम को खोलने के बाद आपको जो पीएमजी दिशा का जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको लॉगिन हो जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से पीएमजी दिशा का वेबसाइट में हम लोग लॉगिन हो जाते हैं। जैसे कि मैं पहले बुकमार्क करके रखा हूँ, तो उसमें हम लोग कर सकते हैं लॉगिन। पीएमजी दिशा में जब भी हम लॉगिन करेंगे तो आपको आईडी एंड पासवर्ड मांगा जाएगा, वो आपको आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का नोटिफिकेशन दिखेगा, वो उसमें ओके करना है, और आपको जो कोड डालना है वो कोड लिखा हुआ है शेयर माई लोकेशन में, हमें लिखा हुआ रहा है, आपको क्या करना है शेयर माई लोकेशन में क्लिक करना है। जब भी आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड डालने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया रहता है, जो भी खाली जगह दिया रहता है वो कोड आपको यहाँ से डाल लेना है। जैसे कि हम लोग यहाँ से जो कोड है वो कोड हम यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं फटाफट से। हमें जो कोड मुझे मिला है वो कोड हम यहाँ पे डालते हैं, वो कोड एग्जैक्टली कोड वही डालना है, अगर गलत डालेंगे तो वो वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो जो कोड है हम लोग एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते, देख लेते हैं कोड। कोड को देख लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कोड है वो उसको कोड को डालने के बाद आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ रहा है ओके उसमें सिलेक्ट कर लेते हैं, और हमें देखिए सक्सेसफुली वेरीफाइड दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद ओके में क्लिक करना है। जब भी आप ओके में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नोटिफिकेशन नहीं रहेगा, वो इतना ही रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डैशबोर्ड में क्लिक करना है। उसमें देखिए लिखा हुआ लेफ्ट कॉर्नर ऊपर में लिखा हुआ है डैशबोर्ड, आपको डैशबोर्ड में क्लिक करना है। जब भी आप डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन हो चुका है, और आप अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आपका डीएम वो नहीं करेंगे आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और पीएमजी दिशा का काम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।